हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है UK07 राइडर के रिलेटेड। तो UK07 राइडर को बिग बॉस में पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया है क्योंकि वो बिग बॉस के घर में फिजिकल हो गए थे अरुण महाशेट्टी के साथ। तो आपका एक ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी के रिलेटेड, जहाँ पूरी पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी को फायर कर दिया गया है PCB के तरफ से। तो आपका एक ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। पास आ रही है वो आ रही है जयशंकर के रिलेटेड। जयशंकर को काफी ज्यादा हेट मिलने लगा उनकी एक इंस्टाग्राम स्टोरी के बाद, जहाँ उन्होंने एक न्यूज शेयर की थी मुंबई और दिल्ली के के रिलेटेड और ऊपर हैप्पी दिवाली लिख दिया था, जहां उनको इसके बाद काफी ज्यादा हेट मिलने लगा और उनको वो स्टोरी डिलीट करनी पड़ी। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है Tiger 3 मूवी के रिलेटेड, जिसने सेकंड डे पे 100 करोड़ का कलेक्शन टच कर लिया बॉक्स ऑफिस पे। तो आपका ख्याल इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है एलविश यादव के रिलेटेड। तो एलविश यादव ने सपोर्ट किया UK07 राइडर को अपने वीडियो के थ्रू। उन्होंने क्या कहा, आप एक छोटी सी क्लिप देख लो। UK07 जो अपना भाई अनुराग, मैं वो नहीं कर रहा, किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। देखो, सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, सब अपने हिसाब से खेलते हैं। जो पसंद आता है पब्लिक को, पब्लिक उसको वोट करती है। बट एक चीज जो मुझे खराब लग रही है ना भाई, सारा जमाना ही अगेंस्ट हो गया उसके। मतलब एक नैरेटिव सेट कर दिया कि भाई वो कुछ भी बोले, जोकर का फेस लगा दिया।